हम बना रहे हैं एक लौकी और मूंग दाल की सब्जी। और इसके लिए हमने क्या किया, एक पैन को गरम किया और उसके अंदर ड्राई रोस्ट किया जीरे को, और उसके बाद मस्टर्ड सीड्स को, और उसके बाद हमने डाल दिया लौकी के बाइट साइज टुकड़े। अब फुल गैस पे हम इसे पका रहे हैं। हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, इसे कवर करेंगे। मिक्स करने के बाद और 2 मिनट फुल फ्लेम पे, फिर सिम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये हाफ डन ना हो जाए, करीब 5 मिनट तक सिम पे। ये हमने ढक्कन हटा के देखा तो हमने पाया कि अगर हम ऐसे दबाएंगे तो हमारी जो लौकी है वो ऑलमोस्ट हाफ डन है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे मूंग दाल, जिसे हमने पहले ही सोक करके रखा है। अगर आप सोक करके रखोगे तो मूंग दाल ऐसे ही बहुत जल्दी गलती है, और सोक करने पे ये और जल्दी गलती है। मूंग दाल डालने के बाद बकायदा इसे हाई फ्लेम कर दीजिए, मिक्स करिए 2 मिनट। और करीब आधा कप पानी डाल के मिनट और पकने दीजिए, या जब तक पानी रसमिस्सा ना हो जाए। We have just removed the cover and you can see it's beautifully being done. ये almost गल चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो का प्यूरे, जिसने हमें 3 टमाटोज को फाइनली प्यूरी किया है, नॉट वेरी फाइनली एक्चुअली, हमने इसके अंदर पुट किया। फुल फ्लेम पे हमने इसे मिक्स करना है। इसे लगभग 3 मिनट्स तक हमें भूनना। इसी स्टेज पे हम इसमें हरा धनिया डालेंगे करीब 1.5 टीस्पून। धनिया का इसमें पंचिंग फ्लेवर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा धनिया आप डाल सकते हैं। बीच बीच में हिलाते रहेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च है हम काफी ज्यादा डालेंगे। दैट गिव्स अ ब्यूटिफुल ब्राइट रेड कलर।
अब हम इसमें करीब आधा टीएसपी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इस रेसिपी में आप देख रहे हो बिना ऑयल के पूरी डिश को बना लिया गया है एंड इट रियली टेस्ट आल्सो। अगर हम ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं तो दिस इज अ वेरी गुड डिश टू टेस्ट। करीब 2 टीस्पून हमने कस्तूरी मेथी लिया है और इस स्टेज पे हम इसे भी क्रश करके इसके ऊपर डाल देंगे। कसूरी मेथी इस डिश के स्वाद को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देती है। लगभग डिश कंप्लीट होने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को डाल देंगे। इस डिश को आप गर्मा गर्म चपाती के साथ, खासकर बाजरे और ज्वार की चपाती के साथ, ये डिश बहुत टेस्टी लगती है। और 1 पॉट मील है अपने आप में। अभी डिश रेडी हो गई है, हम बंद कर देंगे। किसी भी सर्विंग पाउच में इसे सर्व किया और ये आपकी डिश खाने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।